हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईके मैथ एंड साइंस क्लासेज। आज आपके लिए हिंदी व्याकरण आज का पहला दिन होगा जिसमें हम वर्ण पढ़ेंगे। तो इस तरह से प्रत्येक दिन आपका हिंदी व्याकरण का और अंग्रेजी ट्रांसलेशन अभी स्टार्ट करें, फिर ग्रामर भी पढ़ेंगे। तो इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। और ये हिंदी व्याकरण जो पढ़ेंगे आपका क्लास, प्रत्येक क्लास के लिए, चाहे कम्पिटेटिव एग्जाम हो या किसी क्लास की तैयारी करें, उसके लिए जरूरी है। तो स्टार्ट करता है आज का क्लास। सबसे पहले पढ़ेंगे बर्ण। परिभाषा देखिए, कहेंगे बर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं, उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते, जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते, नहीं ये जा सकते हैं। जैसे देखेंगे आपका अ, क, ख, ये सब देखेंगे आपका, ये सब आपका क्या वर्ण है। तो देखेंगे आप, फिर आप तो देखेंगे वर्ण के दो भेद होते, एक तरह कहेंगे स्वर वर्ण, स्वर वर्ण उस वर्ण को कहते हैं जिसकी सहायता के लिए किसी वर्ण की सहायता नहीं लेते, मतलब बैक्ट आप कर सकते हैं। इसमें पढ़ेंगे आपका, देखिएगा कहेंगे मूल स्वर और हम संयुक्त स्वर। तो देखिएगा मूल स्वर में दो आएगा, एक ह्रस्व स्वर और फिर दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर में देखिएगा तो आपका अ, ह्रस्वी, ह्रसु और री। दीर्घ स्वर में देखिएगा आ, दीर्घी, दुर्गु, ए और ओ। और संयुक्त स्वर में देखिएगा आपका आई और ओ, याद रखना आपका आई और ओ। इस तरह से आप मूल कुल देख लेगा आपका स्वर कितने हो गए, कितने स्वर, 11 स्वर हो गए। अब देखते हैं व्यंजन। व्यंजन वर्ण उस वर्ण को कहते हैं जिसकी सहायता उच्चारण के लिए क्या होगा, स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है। इसे आपको देखिएगा क है, कौत, क जोर, ओ, इसमें आपका ओ की सहायता लेते हैं। क है तो क, ओ इसमें पढ़ते हैं, तो इसलिए आपका ये सब व्यंजन वर्ण होगा। इसमें आपका देखेंगे तो स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, इसमें आप पढ़िएगा क वर्ग से लेकर, क वर्ग, क वर्ग से पवर्ग तक, यानी 25, कख से लेके पप तक पूरा टोटल पड़ेगा। तो ये स्पर्श व्यंजन हो जाएगा जिसकी संख्या आपकी कितनी होती है, 25 होती है। उसके बाद पुनः देखेंगे आपका अंतस्थ, अंतस्थ, इसमें आपका चार आएगा य, र, ल, व। फिर देखेंगे तो आपका उष्म हो जाएगा जिसमें आपका आता तालब सो, मूर्धन सो, दंत सो और हो। उसके बाद हिंदी में और दो आता देखेंगे तो आपका हरो और ये आपका ढो, चलते टो वर्ग में आता, तो इसमें आपका बिंदी नहीं होता, ये आपका रो रहा है। तो यहां से आगे फिर देखेंगे आपका दो को होता अयोगवा, अयोगवा अंग और विसर्ग, अंग और विसर्ग। तो इसमें कुल मिला के देखेगा तो 11, 25, चार, चार और चार इधर, मतलब 48 वर्ण होते हैं हिंदी वर्णमाला में। और इसके अलावा भी हम पढ़ेंगे तो संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन जैसे पढ़िएगा तो अक्षर देखिए, कहेंगे क और ये सोस मिलके बनता है, तर देखिएगा तो तो आरो पूरा, फिर देखेंगे आपका यो तो जो और यो पूरा आपका हो जाएगा, और फिर देखते सरो स और रो, ये आपका संयुक्त व्यंजन है, मतलब दो व्यंजन से मिलकर बना है, संयुक्त अक्षर होता है ये चारों। तो इस तरह से हम देखिए आपका हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ और उष्म। अब हम देखेंगे प्रत्येक का जो हमारे जो होता है आपका मुख किस भाग से किसका उच्चारण होता है, उसका हम देखेंगे अति ट्रिक, उसके बाद हम याद करेंगे पूरा। स्टार्ट करते हैं। तो उसका होता शरीर अंग, जो आपका मुंह के विभिन्न अंगों से क्या होता है, भावों से उच्चारण होता है,
उसके आधार पर हम जैसे कंठीय बर्ड उसको हम कहें जो कंठ से उत्पन्न होता है उसे हम कहें कंठनीय बर्ड। तो अब यहाँ से देखेंगे इस ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे संस्कृत का श्लोक है अकु विसर्जनिया कंठ। देखिए अ तो मतलब है अ आ, ध्यान दीजिए अ आ, फिर देखिए क है क वर्ग पूरा आप याद रख लीजिएगा, और फिर देखिएगा ह, और फिर क्या कहता है विसर्ग, मतलब अकु विसर्जनिया कंठ। तो मतलब अ आ क वर्ग और ह विसर्ग ये सबका उच्चारण स्थान क्या होगा आपका कंठ। फिर देखिएगा इचु यसा नाम तालु, ये देखिए ई है मतलब हरिसी और दीर्घी दोनों लेना आपका, चौथ आपका च वर्ग याद कर लीजिए, यो है तो यो, और देखिए ये आपका तालब सो है तो तालब सो, मतलब क्या हो जाएगा हरसी दीर्घी च वर्ग और यो तालब सो का जो उच्चारण स्थान होगा तालु, इसलिए इसको तालब सो कहते हैं क्योंकि ये आपका तालु से इसका उच्चारण होता। तो इचु यसा नाम तालु याद रखना ठीक, इचु यसा नाम तालु हरसी दीर्घी चौबर्ग यो और तालब सो। नेक्स्ट देखेंगे मूर्धा, तो याद है रिटूर रिटूर सा नाम, रिटूर सा नाम मूर्धा, री है तो आपका कहेंगे री। फिर देखिए टॉबर्ग टॉबर्ग टोटो डो, और फिर देखिए ये आपका मूर्धन सो, इसलिए इसको क्या मूर्धा से इसका उत्तर होता है इसलिए इसको कहते हैं मूर्धन सो। फिर आप देखेंगे सॉरी रो भी आपका देखेंगे रो और आपका मूर्धन्य। फिर आप देखिए दंता रितुल सा नाम दंता, तो देखिए ये आपका री ली तोबर्ग, और फिर कहेंगे लो, और फिर कहेंगे दंत सो क्योंकि इसका उच्चारण होता है दंत से इसलिए उसको हम कहते हैं दंत सो। याद रखा रितुल सा नाम दंता। फिर देखिएगा ओष्ट मतलब जिसका उच्चारण ओष्ट होता उपउप उपुब्धिमा या नाम ओष्ठ, मतलब क्या हो गया ऊ है तो हर्षु दुर्गु और पौवर्ग, याद रखना हर्षु दुर्गु और पौवर्ग इस सबका उच्चारण क्या होगा आपका ओष्ठ से होगा। नेक्स्ट आपका देखेंगे कंठ तालु आपका एदैतो एदैतो कंठ तालु एदैतो मतलब ए और आई, याद रखना आपका ए और आई दोनों का उच्चारण आपका होगा कंठ और तालु के कॉम्बाइन से। कंठ ओष्ठ देखिये ओदौतो ओ और औस याद होगा ए कैसे बनता है हम कहेंगे ओ प्लस हर्षी जब संधि पड़ेगा, और ओ कैसे बनेगा ओ प्लस हर्षु। तो देखिए आप कह सकते हैं क्या देखिए आपका कंठ तालु तो मतलब ओ और हर्षी ये दोनों मिलके आपका बना, तो यहाँ पर कहेंगे कंठ तालु से आपका हो जाएगा ए, और ओ कैसे बनता याद होगा ओ प्लस हर्षव, तो देखिएगा ओ प्लस हर्षव आपका क्या था इसमें तो मतलब कंठ और ओष्ठ मिल से क्या होगा ओ और ओ का उच्चारण करेगा। फिर देखिएगा दंत दंतोष्ठ तो वकारस दंतोष्ठ वकारस सिर्फ याद रखना ओ का उच्चारण स्थान क्या होता है दंत और ओष्ठ के कॉम्बाइन से होता है। फिर देखिएगा नासिका यमरना नाम नासिका याद है जो संयुक्त आपका बताए थे स्पर्श व्यंजन उसके पांचवें अक्षर जो होते यो, तो ये आपका यमरना लिखा हुआ अंग आपका नो और फिर नो ये सबका उच्चारण स्थान। और फिर पढ़िएगा अनुस्वार यही सब तो अनुस्वार बनता है स्पेशल आप वीडियो देखिएगा इसी सब से मिलकर क्या होता है अनुस्वार बनता है तो इन सब का उच्चारण स्थान क्या होगा नासिका होगा। तो इसके लिए क्या होगा आप ये इसको याद रखिएगा इस संस्कृत के श्लोक को तो आपको प्रत्येक वर्ण याद हो जाएगा इसका उच्चारण स्थान कहाँ है। तो इस तरह का पहला दिन का आपका क्लास समाप्त होता है वर्ण पढ़े आज हम, नेक्स्ट दिन आपका लाएंगे शब्द वर्णों के मेल से क्या बनता है आपका शब्द बनता है तो उसके बाद शब्द के भेद कितने हैं तो वो सभी लाएंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और इसी तरह प्रत्येक दिन का हिंदी और अंग्रेजी का क्लास लेने के लिए भी चैनल को सब्सक्राइब कर क्या करें बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें जिससे क्या होगा आपको प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। धन्यवाद।